हम आपको बिहार लेकर चलते हैं, जहां वक्फ बोर्ड ने एक गांव की जमीन पर अपना दावा करते हुए इस गांव में रहने वाले लोगों को 30 दिन के अंदर अपने मकान खाली करने का आदेश दिया। दोस्तों, आपको पता होगा वक्फ बोर्ड के खिलाफ केंद्र सरकार ने एक नया बिल पास किया, जहां पर वक्फ बोर्ड में संशोधन किए जाने की बात हो रही थी। इससे रिलेटेड कई सारे QR कोड वायरल हो रहे थे, एक हिंदू का QR कोड, एक मुस्लिम का QR कोड। मुस्लिमों का कहना है कि वह अल्लाह की जमीन है, उस पे सिर्फ मुस्लिम का अधिकार है। हिंदुओं का कहना है कि वह सरकारी जमीन है, क्योंकि अगर आप वक्त बोर्ड का नियम पढ़ेंगे ना, तो आप भी हैरान हो जाएंगे। वक्त बोर्ड का नियम काफी खतरनाक है। जिस रूम में मैं रह रहा हूं, अगर वक्त बोर्ड ने दावा ठोक दिया कि हाँ यह हमारा है, पहले यहाँ पर कुछ था हमारे से रिलेटेड, यानी जो मतलब मुस्लिम चीजें हैं उससे रिलेटेड कुछ था, तो यह चीज मुझे उनको देनी पड़ेगी, क्योंकि मैं इसके खिलाफ कंप्लेन भी नहीं कर सकता, ना तो कोर्ट जा सकता हूँ। गांव में जमीन का झगड़ा होता है, कोई किसी पर कब्जा कर लेता है, झगड़े हो जाते हैं, मार हो जाते हैं, तो हम पुलिस कंप्लेन करते हैं, कोर्ट तक बात जाती है, कई दिन तक केस चलता है, फिर फाइनल होता है जमीन उसकी है या फिर इसकी है, गलती किसकी है, मुआवजा किसको देना, कई सारी चीजें। लेकिन वक्त बोर्ड में ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर उन्होंने यहाँ पर दावा ठोक दिया, वह चीज आपको देनी पड़ेगी। इससे रिलेटेड कई सारी वीडियो मैं आपको दिखा देता हूँ, आप देख लीजिए इनके पास अभी तक कितनी जमीन है। वर्ष 1950 में पूरे देश में वक्फ बोर्ड के पास 52,000 एकड़ जमीन थी। ये ध्यान रखिएगा आप, 52,000 एकड़ जमीन थी 1950 में। लेकिन 2009 में ये 52,000 एकड़ जमीन 4,00,000 एकड़ हो गई। फिर 5 साल के बाद 2014 में ये 6,00,000 एकड़ हो गई। और अब वर्ष 2024 में वक्फ बोर्ड के पास हमारे देश की कुल 9,40,000 एकड़ जमीन है। लेकिन आज हम अपने मुस्लिम भाइयों से पूछना चाहते हैं कि इस 9,40,000 एकड़ की संपत्ति का उन्हें क्या फायदा हुआ है आज तक। आज ये बात तो सब जानते हैं कि देश में सेना, भारतीय सेना और भारतीय रेल के बाद सबसे ज्यादा जमीन वक्फ बोर्ड के पास है। लेकिन यह बात बहुत कम लोगों को पता है कि पिछले 76 वर्षों में भारतीय सेना की जमीन में सिर्फ 31% की वृद्धि हुई, जबकि वक्फ बोर्ड की जमीनों में 1700% की वृद्धि हुई है। सबसे बड़ी बात यह कि भारतीय सेना के पास जो जमीन है उसका इस्तेमाल देश की रक्षा के लिए होता है, सैनिकों के लिए होता है, सेना के लिए होता है। लेकिन वक्फ बोर्ड के पास जो जमीन है उसके इस्तेमाल और प्रबंधन को लेकर आज भी हमारे देश में किसी तरह की कोई पारदर्शिता नहीं है। ऐसा माना जाता है कि भारत में वक्फ बोर्ड की शुरुआत मुस्लिम आक्रमणकारी मोहम्मद गौरी ने की थी। वक्फ की शुरुआत वहां से हुई थी। मोहम्मद गौरी के बाद गुलाम वंश, दिल्ली सल्तनत, मुगल और अंग्रेजों के शासनकाल में भी वक्फ की संपत्तियों को लेकर एक अलग व्यवस्था थी। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत में वक्फ को लेकर पहला कानून दिल्ली सल्तनत, मुगलों और अंग्रेजों के शासनकाल में नहीं बना था, बल्कि यह पहला कानून आजाद भारत में वर्ष 1954 में बनाया गया, जब देश के प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित नेहरू के बाद वर्ष 1995 और फिर वर्ष 2013 में कांग्रेस ने इस कानून में ऐसे बदलाव किए, ऐसे संशोधन किए, जिससे वक्फ को बहुत सारे अधिकार मिल गए। और इनमें अधिकार यह भी था कि वक्फ अगर आपकी जमीन पर अपना दावा करता है तो आपको ही वक्फ की अदालत में जाकर यह साबित करना होगा कि आपका घर आपका है, वक्फ बोर्ड का नहीं है। यानी यह साबित करने की जिम्मेदारी आपकी है, वक्फ बोर्ड की नहीं है। अगर आप फंस गए कभी, आपकी जमीन पर वक्फ बोर्ड ने दावा कर दिया, तो अब आपको यह साबित करना होगा, और वो भी वक्फ की अपनी अदालत में साबित करना होगा। लेकिन जो वक्फ बोर्ड इस पर दावा कर रहा है उसे यह साबित करने की कहीं भी कोई आवश्यकता नहीं है। सोचिए, जिस सऊदी अरब में इस्लाम धर्म की उत्पत्ति हुई थी वहां भी वक्फ को लेकर ऐसे कानून नहीं है, और यह चीज किसी मुस्लिम देश में नहीं है, और वहां के वक्फ बोर्ड किसी की भी जमीन पर ऐसा दावा कर सकें, यह कानून वहां भी नहीं है। लेकिन भारत में ऐसे कानून हैं, और यह कानून कांग्रेस पार्टी की अलग अलग सरकारों में बने हैं। आज अगर भारत में वक्फ बोर्ड के पास 1 गोवा, 33 चंडीगढ़ शहर, 127 लक्षद्वीप और 2.5 दिल्ली शहर के बराबर जमीन है, तो इसका कारण यही है कि हमारे देश में मुस्लिम तुष्टिकरण के लिए इस तरह के बनाए गए कानून बनाए गए, जिनमें वक्फ को ऐसे ऐसे अधिकार दे दिए गए कि वो एक प्रॉपर्टी डीलर की तरह बन गया, और वक्फ बोर्ड की संपत्तियों से आम और गरीब मुसलमानों को
कभी कोई लाभ नहीं मिला। जैसे मैंने आपको बताया, वक्फ बोर्ड के पास इतनी संपत्ति है जिसमें 2.5 दिल्ली शहर बस सकते हैं, लेकिन हमारे देश के कितने मुसलमानों को इसका फायदा मिला है, ये शोध का विषय है। इस पर एक रिसर्च होनी चाहिए। हम आपको बिहार लेकर चलते हैं, जहां वक्फ बोर्ड ने एक गांव की जमीन पर अपना दावा करते हुए इस गांव में रहने वाले लोगों को 30 दिन के अंदर अपने मकान खाली करने का आदेश दिया है। इस गांव का नाम है गोविंदपुर, जो बिहार के पटना जिले में है। इस गांव में रहने वाली 95% आबादी हिंदुओं की है और इस गांव में कई परिवार वर्ष 1910 से रह रहे हैं और इन लोगों के पास लैंड डीड्स के वो तमाम कागजात हैं जिनसे पता चलता है कि ये जमीन पिछले 114 वर्षों से इन्हीं हिंदू परिवारों के पास है। लेकिन इसके बावजूद वक्फ बोर्ड ने इस गांव में एक अपना एक बोर्ड लगा दिया और जिस पर लिखा है कि ये जमीन वक्फ बोर्ड की है और इन हिंदू परिवारों को अगले 30 दिन के अंदर इस जमीन को खाली करना पड़ेगा। ये वो बोर्ड है जो लगा दिया गया है गांव में। वक्फ बोर्ड के इस नोटिस के खिलाफ गांव के लोगों ने पटना हाई कोर्ट में याचिका दायर की, जिस पर अदालत ने वक्फ बोर्ड से यह कहा कि अगर यह जमीन वाकई में वक्फ की है तो उसे हाई कोर्ट में इसके सबूत और बाकी के साक्ष्य पेश करने पड़ेंगे, लेकिन वक्फ बोर्ड पटना हाई कोर्ट में ऐसा एक भी सबूत और दस्तावेज पेश नहीं कर पाया जिससे वो इस जमीन को अपनी जमीन साबित कर पाए। और इसके बाद पटना हाई कोर्ट ने वक्फ बोर्ड के नोटिस पर रोक लगा दी और इस गांव के लोगों को कहा कि उन्हें इस जमीन को खाली करने की कोई आवश्यकता नहीं है। और अदालत ने इस बात को भी माना कि ये जमीन इन्हीं लोगों की है और इनके पास ऐसे सभी दस्तावेज हैं जो पुष्टि करते हैं कि लोग यहां इस गांव में वर्ष 1910 से वाकई में रह रहे हैं। आपने देख लिया। अब दोस्तों, इस QR कोड के नाम पे कई सारे लोगों के साथ स्कैम हो रहा है। मेरे शॉप पर कई सारे लोग आए, बोले कि यार इस QR कोड को कैसे स्कैन करना है। तो कई लोगों ने हिंदू का टैग ऊपर लगा के अपने फोन पे का QR कोड, यानी जिस पे पेमेंट करते हैं उसका QR कोड, कई सारे लोगों ने पेमेंट सेट करके रखा है। यानी जैसे आप QR कोड स्कैन करेंगे, 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए वहां पर शो करेगा। तो लोगों को लगे क्या पता इसको स्कैन करने के बाद कुछ पेमेंट भी करना पड़ेगा, तब जो हमारी बात सामने तक जाएगी, ठीक है। तो लोग पेमेंट भी कर रहे। तो भाई ऐसा कुछ भी नहीं यार, पेमेंट वेमेंट नहीं करना है, और ना तो आपको अपने फोन पे पेटीएम में जाना है, ठीक है। कहीं पर भी आपको जाके स्कैन नहीं करना है। कहां स्कैन करना है मैं आपको बता देता हूं। फिलहाल कल 15 तारीख थी, कहा जा रहा था कि 15 तारीख तक ही स्कैन होने वाला था। आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, बट आप एक चीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना, वक्त बोर्ड में संशोधन होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए। मेरे हिसाब से तो होना चाहिए भाई, यह चीज गलत है। आप किसी के जमीन पे दावा ठोक दो फिर वह कुछ ना कर पाए, कम से कम इतना हक तो होना चाहिए अगर आप हमारी जमीन पे दावा ठोक रहे हो कि हाँ हमारी जमीन आपकी है, तो एटलीस्ट हमको साबित करने का मौका तो चाहिए ना भाई कि हमारी जमीन है या फिर हमारे पुरखों की है। साबित करने का मौका चाहिए, हम कोर्ट तक जाएंगे, केस करेंगे, जो सारी चीजें वो तो होनी चाहिए ना, जो हमारा संविधान कहता है। वक्त बोर्ड में ये सारी चीजें नहीं है। तो चलिए हम आपको बताते हैं किस तरीके से स्कैन करना है, और टी राजा ने बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी चीजें बोली, हम आपको सब कुछ दिखाएंगे। तो दोस्तों, जैसे आप अपने मोबाइल का कैमरा ओपन करेंगे, आप देख सकते हैं ऊपर आपको एक लेंस का ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। लेंस का ऑप्शन मिलेगा, आपको सिंपली यहां पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे यह स्कैन हो जाएगा, नहीं तो आपको गूगल में जाना। आप देख सकते हैं कि यहां पर भी आपको एक फोटो का ऑप्शन मिलेगा, आपको सिंपली क्लिक करना है, कैमरा आ जाएगा। कैमरे पे क्लिक करके अगर आपने फोटो सेव किया है तो गैलरी से फोटो ले लेना है, नहीं तो आपका कैमरा ओपन हो जाएगा, आप इजीली स्कैन कर सकते हैं। अब दोस्तों आपको करना क्या, आप देख सकते हैं जैसे मैंने हिंदू का QR कोड यहां पर सर्च किया तो यहां पर इसके संशोधन के बारे में लिखा हुआ है, इसमें संशोधन होना चाहिए। वक्त बोर्ड में सारी चीजें लिखी हुई है, बस आपको नीचे अपना नाम, यानी आप कौन हो, क्या नाम आपका, वह चीज आपको लिख के सेंड कर देनी है। बस आपको इतना ही करना है। इसी तरीके से मुस्लिम का जो QR कोड है वहां पर लिखा है कि संशोधन नहीं होना चाहिए, यह जो बिल ओवर रद्द होनी चाहिए और इस पे सिर्फ मुसलमानों का हक है। वैसे आप मुझे कमेंट करके बताना आपके दिमाग में क्या चल रहा है, ठीक है, कमेंट करके जरूर बताना। उपस्थित है उन सबसे ये निवेदन है, वक्फ लैंड वक्फ बोर्ड के माध्यम से वक्फ के नाम पर बहुत सारी जमीनें, मंदिरों की हो या बहुत सारे जमीनें जनता की हो, वक्फ के नाम पर कब्जा की गई। आज 9 लाख एकड़ लैंड पूरे भारत में वक्फ बोर्ड के कब्जे में है। तो केंद्र सरकार ने एक बहुत अच्छा निर्णय लिया कि वक्फ बोर्ड में संशोधन लाने के लिए जनता की राय पूछी है।
तो आप सबको एक लिंक आया होगा जिसका आपको मेल करना है कि इसमें संशोधन होना है या नहीं होना है। और हम लोग जितने भी जो गणेश पंडाल है हर पंडाल में घूम रहे हैं, सबको रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि किसी भी हाल में आप लोगों को भी अपनी राय मेल के माध्यम से केंद्र को भेज सकते हैं। तो मैं चाहता हूं कि जितने भी यहां पर उपस्थित है आप सबसे निवेदन है कि QR कोड भी वहां पर लगा हुआ है, जस्ट आपके फोन पे अगर स्कैन करेंगे तो ऑटोमेटिक पूरा मैटर आपको मेल आईडी आ जाएगा, उस पर मैटर आप लिखकर आप डायरेक्टली मेल कर सकते हैं। तेलुगुलो कूडा चेप्ता अंदर की ओक रिक्वेस्ट